89व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या निमित्तानं एक अपूर्व संधी आम्हाला उपलब्ध झालेली आहे. भारतातल्या विविध भाषांमध्ये ज्यांना ज्ञानपीठ पुरस्कारांनं मंडित केलं गेलेलं आहे, गौरवान्वित केलं गेलेलं आहे, अशा ज्येष्ठ श्रेष्ठ साहित्यिकांच्या मुलाखती आपण घेतो आहोत. मराठी साहित्य संमेलन बडी प्रशंसा उसकी होती है, बहुत शायद भारतवर्ष में और कहीं ऐसा नहीं होता. वी डोंट हैव पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, वी हैव ओनली वन काला, अनंत काला. अष्टाध्यायी जगन माता अमर कोशो जगत पिता, तो माता पिता दोनों को वश में कर लो तो फिर भाषा पर आपका अधिकार स्वयं हो जाएगा, भाषा आपके बस में स्वयं आ जाएगी. भारतीय साहित्य है उसका भारतीय भाषाओं में भी अच्छा अनुवाद होना चाहिए ताकि कम से कम हम लोग एक दूसरे के बारे में जाने, दूसरे के साहित्य के बारे में जाने. हम इस दुनिया में खुशहाली का एक मुस्तकबिल बनाने में कोई अपना फरीजा अदा कर सके, हम सबको मिलकर ये काम करना. अवतारवाद में माने या न माने, लेकिन ऐसा कुछ है जो हमसे बाहर है, हमसे बड़ा है, जो संतुलन रखता है विश्व का, उसमें हमारी श्रद्धा है. और गीता में भी जो विश्वरूप दर्शन है वही परम तत्व है. बिकॉज एक्चुअली वी आर 15 लैंग्वेजेस, बी एब्सेंस ऑफ कॉम्पिटेंट ट्रांसलेशन. बट इंडियन क्रिटिसिज्म इज ए वीकर सेक्शन ऑफ द इंडियन लिटरेचर. जो दुख मुझे हुआ है, जो मेरे पात्र को हुआ है, वो उसके पाठक को भी होना चाहिए. कारण प्रामाणिकपणे तुम्ही जेव्हा काही माघार घेता, प्रामाणिकपणे मान्य करता तुमचा पराभव, तो एका दृष्टीने तुमचा विजयच असतो. फॉर दॅट लँग्वेज दीज मेनी पीपल हॅव कम अँड दे आर ऑल हिअर वर्शिपिंग दॅट लँग्वेज. हे सर्व ज्ञानपीठ विजेते ध्वनिचित्रफितींच्या माध्यमातून आपल्या भेटीसाठी ग्रंथ दालनात येत आहेत. या ज्ञानपीठ पुरस्कारानं सन्मानित साहित्यिकांना प्रत्यक्ष अनुभवण्यासाठी आवर्जून या. दिनांक 15 ते 18 जानेवारी 2016 89वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन, एचे मैदान, पिंपरी, पुणे.